चला था उधर 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 हाँ 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 पिछला लोग आ रखा था सब लोग का देखा सब हेलो ना हाँ ये भूल चूक लेनी देगी जी ना अंदर प्रवेश करेंगे कृपया उनसे आग्रह है कि वो मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ हमारे माननीय कुलपति महोदय कक्ष में प्रवेश करते हुए बिल्कुल सरकारी नियमों का पालन करते हुए अनुशासन में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विधिवत व्यवस्था करते हुए और जो लोग हैं वो अपनी जगह में बैठेंगे और सैनिटाइजिंग के बाद ही कक्ष में प्रवेश करेंगे। सब लोगों से आग्रह है और वो अपनी अपनी जगह जहाँ बनी हुई है वहाँ बैठेंगे। जिन्हें जगह मिलेगी वो जगह में बैठेंगे। और अब हमारे बीच हमारे माननीय कुलपति महोदय पधार चुके हैं
और ये छोटा सा कक्ष जरूर है लेकिन इसमें बैठने वाले विद्वत दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। हम आग्रह करेंगे विवेका जी कृपया यहाँ आए और दीप प्रज्वलन के कार्य को संचालित करें। विवेका जी वक्त की व्यवस्था है परिस्थितियों के थपेड़े हैं। भारती महोदय के लिए जो विश्वास एक कक्ष में ये कार्यक्रम मनाने को विवश है और हमारा अगला कार्यक्रम भूति शॉल शॉल के साथ हमारे प्रधानाचार्य श्रद्धास्पद कुलपति महोदय को सम्मानित करते हुए फिर बूके देकर सम्मानित करेंगे हमारे प्रधानाचार्य महोदय को। मैं डॉक्टर परमानंद यादव जी प्रतिकूल बोर्ड को सम्मानित करता हूं। अब मैं महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद यादव जो एक वरिष्ठ प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आन सब अपना लगने वाले अभिभावक माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अमर किशोर राय साहब, संपूर्ण विश्वविद्यालय को परिवार की तरह देखने वाले हमारे माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली साहब, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद जी, यह स्मार्ट क्लास में सब उपस्थित महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्यगण आचार्यगण और वर्तमान कार्यरत सभी शिक्षक अशिक्षकेतर कर्मचारियों, आज सर का सर द्वे का सम्मान समारोह एवं विदाई समारोह शब्द विदाई बिल्कुल जुदाई महसूस कर रहा हूं। एक ऐसा समय था आज से 3 वर्ष पहले जिस श्रीमान का आगमन हुआ था कुलपति के रूप में, प्रतिकुलपति के रूप में, वास्तव में विगत 3 वर्षों से आज तक शायद बीएन मंडल विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी शिक्षक अथवा अभिभावक छात्र छात्राओं लगा कि हमारे कुशल नेतृत्व करने वाले अभिभावक, सबको प्यार और सम्मान देने वाले अभिभावक हमारे बीच हैं और आज जब इस घड़ी में हम सब अपने माननीय कुलपति एवं माननीय प्रतिकुलपति को विदाई का क्षण जो महसूस कर रहा हूं, निश्चित तौर पर द्रवित हृदय से अश्रु पूरी नेत्रों से पता नहीं
प्यार, ये प्रेम, ये स्नेह, सहानुभूति, सकारात्मक सोच, ऐसे शब्द हैं जो शब्द केवल हमारे माननीय कुलपति के लिए ही बने हैं। साक्षात स्वरूप चाहे निम्न स्तर के कर्मचारी हों समस्या लेकर या और उनसे उन्हीं के शब्दों को उनकी समस्या को देखें, आकलन मूल्यांकन करें और उन्हें संतुष्टि प्रदान करें, संतुष्ट करें, ऐसी कला, इस तरह की भावना शायद मेरी 38वां वर्ष की हमारी जीवन सेवा काल का है। हम एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी के कई भाई शास्त्र को मैंने, उसके भी कार्यकाल को मैंने देखा है। 1992 से बीए मंडल विश्वविद्यालय के कई कुलपतियों को मैंने देखा है, सभी को देखा है। हाँ, कुछ जरूर है कि कुछ हमारे कुलपति कुछ कम समय के लिए आए गए, उतने दिनों की छाप उसने छोड़ जरूर रखी थी, लेकिन वर्तमान हमारे माननीय कुलपति और प्रति कुलपति, इनकी छाप ऐसी छाप है जो अमिट है, मिटने वाली नहीं है, सबके हृदय पर एक स्पॉट के रूप में, पता नहीं ये स्पॉट, ये छाप तब तक छाप के रूप में छाया रहेगा जब तक सर से कोई और विलग हटकर कोई और कोई ऐसे महानुभाव ना आ जाए जिसकी कल्पना मुश्किल लगा। सर का ये 3 वर्ष का कार्यकाल अपने आप में हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, चाहे स्नातकोत्तर विभाग को नॉर्थ कैंपस में जाना हो, नॉर्थ कैंपस में कुछ सजाना हो, एक एकेडमिक माहौल बनाना हो, शैक्षणिक वातावरण का निर्माण वहां करना हो, अपने आप में अद्वितीय है यह विश्वविद्यालय। 1992 से हमारे विश्वविद्यालय में कार सेवक तथा कथित सेवक के रूप में सेवारत थे, जो त्रिशित नेत्रों से अपनी सेवा सामंजन की प्रतीक्षा में रत थे, लेकिन सर के कार्यकाल में ही, सर के कर कमलों द्वारा ही उन सैकड़ों परिवार को, सैकड़ों परिवार का दीप जला है। ये उपलब्धि कब तो नहीं, निश्चित तौर पर ये सदैव स्मरण करने लायक भवन है, चाहे विश्वविद्यालय अंतर्गत जहां कहीं भी जो भी कॉलेज हो, जिस महाविद्यालय जहां कहीं भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हो, उस महाविद्यालय पर इनकी नजर, विकासात्मक सोच, शैक्षणिक वातावरण निर्माण में समर्पण भाव सीखने को मिलता है, अनुकरणीय है। जी तो किसी का नहीं चाहता, इच्छा तो किसी की नहीं होती कि हमारे सर हमसे विदा हो गए, हमसे जुदा हो गए, लेकिन प्रकृति का ये विधान है, आना है, जो आए हैं वो जाएंगे, कालावधि सुनिश्चित है, और हम लोग माय टीपी कॉलेज परिवार की तरफ से सर, डीसी सर, प्रवेशी सर के शेष जीवन, दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं, और अभी भी सर में बहुत कुछ शेष है, बल्कि मुझे लगता है कि इस कमरा में जितने हम सारे युवा भी, कई टीचर हैं, मैं भी युवा भी हूं, लेकिन जवानी यदि कहीं देखनी हो तो आज की तिथि में भी हमारे माननीय के पास ही है। आज की तिथि हम
चाहेंगे कि संघ की इस ऊर्जा का उपयोग बिहार सरकार, भारत सरकार या महामहिम हमारे राज्यपाल सर का सर की सेवा प्राप्त करें। हम भगवान से कामना करते हैं कि सर की सेवा और उच्चतर पदों पर हो, हम सबों की कामना है। और इस कोविड के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में महाविद्यालय में इतने शिक्षक तो सर निश्चित प्राय में विगत 15-20 दिनों से लगातार महाविद्यालय आ रहा हूँ, इतने शिक्षक कर्मचारी तो प्रतिदिन कॉलेज आते हैं। और आज चूंकि कोरोना पीरियड में इस वैश्विक महामारी के चलते हम संपूर्ण परिवार एकत्रित होकर श्रीमान का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, यह खेद मुझे है। फिर भी जो अछिंजल हमारे हाथ है हम श्रीमान को समर्पित करते हैं। शेष जीवन की मंगल कामना, शुभ कामना, स्वस्थ रहने की कामना, उत्तरोत्तर विकास की कामना के साथ मैं सर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। आदर्श महाविद्यालय परिषद में एक आयोजन कर, लेकिन शायद नियत तो यह मंजूर नहीं था, नहीं कर सका। मुझे आज खेल है उपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के इतिहास में आपका कार्यकाल कुलपति महोदय स्वर्णाक्षर। मैं श्रद्धापूर्वक जीवन के अंतिम क्षण तक आपको स्मरण करता रहूँगा, मेरे हृदय में आप हमेशा रहेंगे। मेरी तो हार्दिक इच्छा है, इच्छा रही है कि कुछ समय के लिए आप और रहते बीएन मंडल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में ऊंचा स्थान प्राप्त करता। मैं समारोह में आए हुए विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, टीवी कॉलेज मधेपुरा के शिक्षकों और अन्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय, मैं आदर्श महाविद्यालय की ओर से पुनः आपको नमन करता हूँ, जैसे कुलपति महोदय आपका भी नमन करता हूँ। महाविद्यालय परिवार की ओर से और अब हमारे प्रधानाचार्य महोदय अपने प्रतिकुल पुत्र महोदय को एक छोटी सी भेंट समर्पित करते हुए अब मैडम हमारे बीच नहीं आई, फिर भी उनके लिए जो महाविद्यालय की तरफ से एक सम्मान और एक और छोटा सा सम्मान, उसके बावजूद भी इन्होंने जो किया है उसके लिए धन्यवाद देने लायक काम किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दिया देता हूँ। सवाल प्रश्न यह है कि देहाती कहावत है, गांव घर में रहे, इसलिए ये कहावत है करनी देखो मरनी भी। किसी आदमी का कर्म का आकलन उसके मरने के वक्त होता है। आपने अपने जीवन काल में कैसा कार्यकलाप किया, ये देहात में लोग कहता है करनी देखेंगे मरनी भी। तो यह हुआ, अब इसी को सभ्य भाषा में करें, आपका जो योगदान और आपके इस कार्यकाल का मरनी है, अपना अनुभव, अपना अपना अनुभव सभी व्यक्तियों ने व्यक्त किया। हम लोगों को बहुत सारे मौका मिला, चुके जिस पद पर थे, सिंडिकेट के सदस्य से, सीनेट के सदस्य से, कॉलेज चलाने का कुछ दिन मौका मिला, शिक्षक संघ के भी हम बहुत पदाधिकारी हैं, राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, बहुत बार मौका मिला।
तो अपनी राय को व्यक्त किया ही हूँ, बार बार उसको मैं व्यक्त करना नहीं चाहता हूँ। अभी जितनी सारी चर्चाएं हुई, जो ये किए वे किए, अब उसको गिनने की जरूरत नहीं है, उसको दोहराने की भी जरूरत समय का जाया करना है। लेकिन जो सच्चाई यह है कि जितना ही किए वह ऐतिहासिक, बहुत लोगों ने शब्द का प्रयोग किया, वह स्वर्णिम। कारण यह है कि उससे पहले किया गया, ऐसा नहीं है कि वैसे यूनिवर्सिटी 92 से अभी तक सर के आने से पहले तक नहीं था, था किसी तरह चल रहा था, जी रहा था। एक विश्वविद्यालय है, अनुदान आता है, सैलरी आता है, बांट देते हैं, और जो जो जैसे कुलपति आए हैं उसके अनुसार ही उसका परिवार चलता है। जब हमारे गार्जियन फैमिली में ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, तो सदस्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कुलपति ही गायब रहेंगे तो पदाधिकारी से आप क्या उम्मीद करते हैं, कर्मचारी से आप क्या उम्मीद करते हैं, होता ही आया। जितने सारे लोग आए हैं, जो जिस तरह के कुलपति आए हैं उस तरह से बन गया है, जो नहीं भी, जो भगौल नहीं है, रेगुलर काम करने करना चाहता है, वो भी देखता है कोई नहीं आता, हम ही को क्या मतलब, हम क्यों जान पाए, हम क्यों अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करें, इससे हमको क्या मिलेगा। तो वही स्थिति रही है। यह रेगुलरिटी प्रथम बार इस विश्वविद्यालय में हुआ कि समय पर आना है, काम करना है, नहीं करने से हमारा गुंजाइश नहीं है। जो भगौड़ भी था वह रेगुलर, यह उपलब्धि, यह उपलब्धि तो है। अब जहां तक आप लोग शिक्षकेतर कर्मचारियों की बात किए तो उनका रेगुलराइजेशन हुआ, बहुत लोगों ने प्रयास किया, पोस्ट क्रिएट कराया, बहुत लोगों का योगदान, लेकिन किसी आदमी ने यह हिम्मत नहीं किया जो इसको रेगुलराइज कर दे या नियम विरुद्ध है, इसके लिए हमको परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए आधा सीधा कम करके समय को निकाल लेने के लिए प्रयास किया। इन्होंने आते आते 6 महीने के अंदर कहा, इन लोगों को रेगुलराइज करने के लिए अगर मुझे जेल भी जाना होगा तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने इसको किया। भगवान न करे कभी वैसा दिन आवे न आवेगा, कारण सामान्य काम हुआ नहीं हुआ, जैसा कि ऊपर से देखते हैं रेगुलराइज कर दिया। वह 2-4 हजार पर काम करता था, उसको कोई जीवन में आशा नहीं थी, और उसका चूल्हा बंद रहता, और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण वे कर्मचारी लोग भी थे। मैं स्पष्ट करता हूं, उन लोगों के साथ लाचारी थी, कारण आप उसको पैसे नहीं देते, 24 घंटे कटाना चाहते हैं रात और दिन, वो क्या करेगा, 5,000 का परिवार लेके कैसे जिंदा रहेगा। वो गलत काम करने के लिए लाचार हुआ करता था, तब करता, वही कर्मचारी अब कहां करता, कहां उस तरह की शिकायत आ रही। 3 वर्षों में आप 3 बार भी नहीं सुने हमने कि अमुक जगह ये हो गया वो, ये मूल बात, रेगुलराइज किया किया, लेकिन रेगुलराइज किस भावना से किया, किस इंटेंशन से किया, उसको हमको ढंग से समझने की जरूरत है। अब ऐसे ऐसे सारे उदाहरण, पीजी था, उससे पहले ही मकान बना, जस्ट अपोजिट, सर्व लोगों के कास्ट के बारे में जो अभी सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक समीकरण है, ज्यादा लोग इस कास्ट के बारे में अपोजिट माइंड रखते हैं, एकदम ओपन फॉरवर्ड पेपर तो अलग है, खास करके भूमिहार से लोग एकदम हड़कंप रहते हैं कि ये घोर यादव की बात कोई वक्ता आपको नहीं बोलेंगे चूंकि इतना ओपन। लेकिन जस्ट अपोजिट हम लोगों की बात जब शुरू में इनके आने पर हुई ना, तही होता था, अरे यो भूमिहार से विनोद बोले के भी सिंह ले जे हो बचल खचर छे विश्वविद्यालय कहने ना जाना पागल चल गए, जहाजी सब लोगों में कहता हूँ जो बोल रहा है
मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एसासिनेट सिंडिकेट में जवाहर बाबू हैं हमारे लिए विटनेस, रमन बाबू सब भी सब दिन पीजी हेड वगैरह करके सिनेट सिंडिकेट में रहते थे प्रिंसिपल भी, तो बहुत लोग भाग भी गए। कुछ लोग यह कहने के लिए डंका बजाने के लिए आए कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार थे भी, मैं स्वीकार करता हूं वे लोग ईमानदार थे। राम बदन बाबू ड्राई ऑनेस्ट थे, के पी सिंह ड्राई ऑनेस्ट वाइस चांसलर, लेकिन विश्वविद्यालय में कुछ नहीं वैसी ईमानदारी से हमको क्या देना। सब रुपया जमा करके राम मदन बाबू जमीन खरीदने के लिए तब तक सरकार से लेने का सोच भी नहीं रहे थे, जमा किए उनके जाते जाते अगला तीन वर्ष में कुछ नहीं बचा, लूट खसोट करके वह शून्य का शून्य हो गया और जमीन एक्वायर नहीं कर सके। उनके इंचार्ज डॉक्टर जोगेंद्र बाबू पूछिए, इनकी बात नहीं रखी, इतने में लग गए जो सबका टारगेट का नाम अगर लिया जाए तो इस कोसी में उससे बड़ा कोसी के लिए भूपेंद्र बाबू नहीं थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी नहीं, जितना कृषि बाबू का देन है शिक्षा में इस क्षेत्र में, लेकिन उसको यहाँ क्या बना दिया गया, यहाँ गाय चढ़ता था भैंस चढ़ता था कहीं कुछ नहीं था, ऐसा खराब लगता। अब कहिए बन गया कि वन परमानंद यादव और के पी यादव से नहीं गया इसलिए मैंने फूल लाया, ये बन गया है डॉक्टर अवध किशोर राय और फारूक अली साहब के, फारूक अली साहब का भी कम योगदान इस कॉलेज को बनाने में नहीं है, उनके यहाँ से जो हमको प्रेरणा मिलती थी ये भी तगादा करते थे, प्रिंसिपल साहब भी काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये आपका कब हो रहा, पता नहीं किधरों से आ ही जाते और बीसी साहब से कम नहीं आए हैं बल्कि बेसी आए, तो मैं नहीं जानता हूं कहां के लिए क्या क्या एनर्जी के लिए क्या हुआ, लेकिन टीपी कॉलेज जो इस स्वरूप को प्राप्त किया है, जो स्वरूप कोनो बड़ा हमने जमीन इसमें लगा दी है ना कुछ कर दी, इसकी सौंदर्यीकरण किया और उसको किसी काम को हम फिनिश नहीं किया, जिसका पूरा श्रेय डॉक्टर के पिता, जैसी मेरी कल्पना थी तो ऋषि साहब का इसके लिए भी धन्यवाद है कि केपी यादव जैसे योग्य लोगों को ला करके हम रिप्लेस्ड हुए, इसलिए मैं माननीय कुलपति का इस कुलपति को बधाई देता हूँ। सवाल है अब इसको आगे बढ़ा दें, बीएड बन गया नहीं था, बीएड बन गया और कुछ बनेगा, लेकिन यह एक एस्टेब्लिश है, इसलिए इनका कार्यकाल ऐतिहासिक ऐतिहासिक माना जाएगा, स्वर्णिम माना जाएगा, क्यों मरनी कलम करनी न देखेंगे, ये आखिर क्या की, ज्ञानी से भी नहीं, ईमानदार है, कर्मठ है, डिसिप्लिन्ड है, और जितना सब कुलपति मिला के यहाँ नहीं रहे अभी तक, अकेले उससे अधिक समय दिए हैं, यह भी मैंने कई बार कहा है, यह मेरी प्रथम वक्ता के रूप में प्रथम बार नहीं बोल रहा, और इस तरह से जितने भी कार्य हुए हैं स्पोर्ट्स में शंकर मिश्रा, स्पोर्ट्स यहाँ जीरो था और इन लोगों के आने से, चाहे वो स्पोर्ट्स इंचार्ज हो शायद कोई काफी एक्टिव लड़का, जो काम इनको दिया जाता काफी मुस्तैदी से ही करते हैं, दिन रात देखते फजल साहब भी हैं, लेकिन इतना एक्टिव कोई नहीं है, वो सीनियर हो या जूनियर हो कल आया, इसकी नियुक्ति बहुत बाद में, लेकिन यह कर्मठ जो सच्चाई को कोई झूठ रहा, इनके साथ भगवान की कृपा से एसएटी सब मिलता, इनके आने के बाद दौड़ रहा था ये सुधांशु, इसकी नियुक्ति नहीं हो रही थी, चप्पल क्या गया और सर आए मिले तो कई दिन के अंदर में तीन दिन के अंदर में इनका योगदान हुआ, और इनका भी कार्यकाल लगभग 3 वर्ष पूर्णने वाला है, और 3 वर्ष में ही विश्वविद्यालय से दोनों के प्रति इतना ना वो क्या कहा जाए समर्पित है, कारण हम लिटरेचर के आदमी ने शब्दों का ध्यान ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए इतना समर्पित है जो वर्णन नहीं है, और इनका भी इन दोनों के साथ योगदान है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए, अभी पीआरओ है तो इसकी बात क्यों करें, ये दिन रात लगे रहते हैं, मैं देखा उसका आंख लाल लाल हो जाता था उस सीनेट के समय में,
हम कह भी चेयरमैन प्रोविंसी को साहब इसको मार दीजिएगा, काहे इतना खटाते हैं इसको उसको इसको क्या नौकरी करेगा, लेकिन इनको मानते भी उतना ही है दोनों आदमी इनके बगैर। और प्रोविंसी साहब जो एक दिन अब्सेंट होते हैं तुरंत सो कॉल करते हैं, वो जो कहे ना आप लोग गलत नहीं कहे, रामा अवतार हुआ पहले भी कह चुका अवध किशोर का मतलब क्या होता राम, और उसके साथ कौन कहे आप लोग लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या शेषा अवतार शेषनाग, तो शेषा अवतार है तो बिगड़ेंगे नहीं, दुर्वासा मुनि का है तो शेषा अवतार है, ये गर्म होते हैं सर आके ठंडा कर देते हैं, वो जनक जी के यहाँ धनुर यज्ञ में उठ गए धरा हम तोड़िए देंगे धनुता बैठो तू बड़े रुकने का आशीर्वाद तो ले, तो ये जब धनुष तोड़ने लगते हैं तो सर आराम से बिठा देते हैं जिससे काम एकदम हो जाता है, यही से अवतार का है असाक्षा का अवतार का संबंध है, उसको आप जो शब्द दे दीजिए राम रही कीजिए, क्योंकि राम लक्ष्मण से अच्छा जोड़ी इसको नहीं एक्सप्लेन होगा, ये नहीं जो मोमडन है तो कह दीजिए राम रही, राम रहीम नहीं राम लक्ष्मण ही जोड़ी वाजिब में उपयुक्त है, अगर ये नहीं रहते तो परीक्षा विभाग का मन पूछे क्या, लेकिन है क्या इनका इमीडिएट वर्क होना चाहिए, पेंडिंग है ना बिना नियमों का है तो तुरंत कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं करते अगर आप नहीं है। लोकप्रिय माननीय कुलपति प्रोफेसर ए के राय साहब और माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर फारूक साहब का सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं कुल सचिव की हैसियत से टीपी कॉलेज के समस्त परिवार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के पी जाधव साहब, मंच पर आसीन हमारे इस समारोह के मुख्य बिंदु एवं मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटनकर्ता के रूप में इस बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति माननीय प्रतिकुलपति महोदय इस सभागार में हमारे टीपी कॉलेज के सम्मानित कुल प्रधानाचार्यगण सम्मानित हमारे विश्वविद्यालय के अभिषद सदस्यगण सम्मानित इस महाविद्यालय के सभी विद्वजन माननीय कुलपति और प्रतिकुलपति का इस टीपी कॉलेज में काफी उद्गार से सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। बंधुओं यहाँ काफी गम है, मैंने अभी देखा कि इस सभागार में माननीय कुलपति महोदय हमको एक शब्द में अपने सानिध्य में काम करने का मौका दिया और मुझे इनसे बहुत चीज सीखने का भी प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं कुलपति महोदय का ऋणी हूँ। ये एक अभिभावक की तरह सच्चे अभिभावक की तरह कभी कुलपति के रूप में हम लोगों के साथ कभी व्यवहार नहीं किए और एक सच्चे अभिभावक के रूप में जहां भी कोई गलती होती है या होती थी वे हम लोगों को बहुत प्रेम से समझाते थे और बताते थे, अभी भी बताते हैं। वैसे हमने एक नए रूप में विभाग शब्दों में हमारे आदरणीय परमानंद बाबू ने कहा जो नियम कानून इनसे नहीं हो सकता है बहुत सीखे हैं, वास्तव में
उतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन मैं कदम से कदम मिला के चलने की हिफाजत रखता हूँ। और सभी विश्वविद्यालय के हमारे जितने भी विद्वजन आते हैं उनका सम्मान में करना चाहता हूँ जो हो। तो हमारे कुलपति महोदय के बारे में मैं अभी क्या कहूँ, और सभी आदमी कह चुके हैं, ये कभी दंड में विश्वास नहीं किए, ये हमेशा हृदय परिवर्तन की बात करते थे। और अपनी भाषा से कितना भी कोई जैसा विद्वजन हो चुके हैं, जो कोई भी अगर बिगड़ कर आते थे, चाहे छात्र नेता हो या छात्र हो, तो ये उनको गले लगाते थे। और कभी कभी हम लोगों को अखर भी जाता था, जो हम लोगों के सामने में अगर कुलपति महोदय के साथ कोई बुरा बर्ताव करने लगता है तो हम लोग उसको नहीं टॉलरेट करते थे, तो माननीय हम लोगों को समझाते थे, जो एग्रेसिव मत होइए, कूल होइए, ठंडा होइए, और उसकी बात को सुनिए और उसकी भाषा को सुनिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, इतनी दूर से वह आता ही है और अपनी बात को रखेगा, वो चाहेगा जो मेरा काम हो। तो हम लोग भी उसी राह पर चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। मैं समय नहीं लूंगा, जितना भी विकास हुआ हमारे परमानंद बाबू, हमारे रमन साहब ने विस्तृत रूप से व्याख्या कर दिए हैं, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब तक साहब जब पानी पीते हैं तो उसमें हम बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा इनका जो कीर्ति है इस विश्वविद्यालय के लिए, थोड़ा सा। आज मंडल विश्वविद्यालय विकास के पथ पर है, विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस, शिक्षकों के पद स्थापन एवं प्रोन्नति, परीक्षा का नियमितीकरण, कदाचार मुक्त परीक्षा, विश्वविद्यालय में 86 कर्मचारियों की नियुक्ति, छात्र छात्राओं के लिए शोध पर विशेष ध्यान दिया जाना, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रमों जैसे बिलिस, एमलिस, बीएड, एमएड की पढ़ाई। कुलपति महोदय, विद्वता एवं शालीनता ही आपकी पहचान है, तभी तो एक छात्र जीवन से लेकर कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर भागलपुर विश्वविद्यालय को सुशोभित किया। आपके आचार में नैतिकता, चरित्र में निर्मलता और व्यवहार में मृदुलता आपके जीवन में समाहित है। मैं विशेष बात नहीं करना चाहता। लगातार 3 घंटे इस कार्यक्रम को चलाया और जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके धैर्य की सराहना करता हूँ। लगातार 3 घंटे तक यह कार्यक्रम चले और उसमें मुख्य अतिथि की बाड़ी भी नहीं आवे, तो मैं आपको प्रसार में मौजूद तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, मैं सबों का आदर करते हुए हमारे मंच में विराजमान माननीय कुलपति जी, कुल सचिव महोदय और इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी और हमारे सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य महोदय, इंटरव्यू हम लोगों का भी हुआ था, 35 आदमी आए थे, 13वां यूनिवर्सिटी था ये जिसमें आखिर में इसका इंटरव्यू हुआ था। स्क्रीनिंग कमेटी में तकरीबन 35 लोगों को बुलाया गया था, इतना ही बड़ा हॉल है राजभवन में, जो सभी लोग बैठे हुए थे। मैं विलम्ब से गया, जैसे मैं एंट्री किया तो देखा पूरा भरा हुआ है, तो मेरे मुँह से निकल गया कि बाप रे इतनी भीड़। दूसरे आदमी बोले कि नरकों में ठेला ठेली। मैंने कहा कि जब आप नरक मानते हैं पीएन मंडल यूनिवर्सिटी को, तो आए क्यों हैं? फिर हाँ हाँ हो गया, हो गया, नहीं बात नहीं पढ़ाई, ये खत्म हो गया। इंटरव्यू देके स्क्रीनिंग कमेटी को फेस किए, जो सवाल पूछा जवाब दिए, घर गए। बहुत दिनों के बाद बुलावा आया, उसमें 5-6 आदमी को बुलाया गया जो महामहिम से इंट्रैक्शन। धीरे धीरे चलो उदय, जब मैं वहाँ गया तब भी मैं थोड़ा बाद में ही पहुँचा, क्योंकि ससुराल है वहाँ से तैयार होकर के ड्राइवर आएगा, फलना होगा, दमाद दी जाएगी। तो गया वहाँ तो देखा 7 आदमी है, उसमें 1-2 कुलपति ऐसे थे, 1-2 प्रत्याशी ऐसे थे जो कुलपति के रूप में जेल जा चुके थे। मैंने एक बार नज़र देखा, हमको लगा अगर इनमें से कोई अगर हो गए
मैं तो प्रोफेसर ही था, भी कुछ कहीं किसी शासन में ध्यान नहीं था, तो हमको लगा पता नहीं कैसे चलेगा ना। कई बार जेल गए लोग भी प्रत्याशी बन के आए हुए, क्या होगा। फिर बुलावा आया, गवर्नर साहब पूछे कुछ व्यक्तिगत बात भी पूछे, कैसे चलाइएगा, शिक्षक आते नहीं, छात्र पढ़ते नहीं, समाज को सरोकार नहीं, आप उसमें कैसे कीजिएगा, आपको कोई अनुभव नहीं। तो मैंने उसका जवाब चंद मिनट का था। फिर उन्होंने कहा कि आप प्रतिकुलपति बनेंगे, तो मैंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य होगा, 7 जिले का यूनिवर्सिटी है, हमें 7 जिले में काम करने का मौका मिलेगा। हो गया, मैं चला गया, कुछ नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, अपने पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त था। एक दिन मान्य कुलपति जी का अवध बाबू का फोन आया, इसी समय लगभग यही समय, कुछ मालूम है तुमको, तुमको कुछ नहीं मालूम रहता, खाली इंटरव्यू देते चले आते। हमने क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तुमको नहीं मालूम। हमने नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम, अच्छा तुम्हारा प्रतिकुलपति हुआ है, तुम्हें लगता है कि हमें जाना ही पड़ेगा क्या। फिर हो गया काम, बात खत्म हुई, आया क्या हो गया, कुलपति जी अपना चले आए, वो 28 को आए, 29 को से ज्वाइन कर, मतलब 29 को आए। मैंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमको एक दो बार फोन किया, देखो आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत एवेन्यूज है काम करने के, बहुत ये अवसर मिलेंगे सामाजिक सरोकार के, तुमको बहुत अवसर मिलेंगे, तुम आ जाओ, हम लोग मिल के काम करेंगे। हमने नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो इसी उधेड़बुन में था, फिर सुधांशु जी पहुँच गए, यहाँ तो पहले से आए थे, कुर्सी पर बैठना ही नहीं देता था, गाछ के नीचे बैठते थे, जंगल पूरा था, फोटो खींच के लेके आता कि ये गेस्ट हाउस है, जंगल से भरा हुआ है, ये कुलपति का आवास है, पूरा जंगल घास भरा हुआ है। हमको लगा कहाँ बिहार में ले यार। तो फिर चले आए, 31 को आए, नहीं जाने पड़ेगा। फिर बीसी साहब बोले गाड़ी भेज दे रहे, अब तुमको आने पड़ेगा, गेस्ट हाउस में कमरा तुम्हारे लिए फिक्स कर दिया, बहुत बढ़िया कमरा है, तुम आ जाओ, उसमें 1 नंबर का कमरा है, महामहिम के लिए था वो, वही तुमको मिलेगा, आ जाओ। क्या करें नहीं करें, फिर सुधांशु जी लद लाद करके हमको लेके, हमको आना था उधर सरसी पूर्णिया होते हुए, इधर का रास्ते नहीं था, इतना सवेरे चले, 5-5:30 बजे चले, तो 10:30 के करीब यहाँ पर पहुँचे। फिर वो शुरू हुआ, तो शुरू हुआ तो वो आप लोगों के सामने, मैं अपनी बातें नहीं करना चाहता। ज्वाइन किया, फिर कर गया, जब आया दोबारा तो मालूम हुआ गेट पर ताला पड़ता है। तुम करें क्या, तुम अभी बज रहा है 11, तो बोले टीपी कॉलेज चले, ये बगल में कॉलेज है, जांच में लीजिए। मैं कहो आइडिया तो दिया बहुत अच्छा, मैं यहाँ आया 1 घंटा इधर उधर खोजा, कौन आया कौन नहीं आया, इधर कौन विभाग, क्या विभाग, पढ़ना विभाग, प्रिंसिपल साहब नहीं, तो चले गए। मैं चला गया, तब तक उधर ताला खुला, 12:30 बज गया, मैं चला गया। फिर एक बार और आया, फिर आया, फिर प्रिंसिपल साहब ने फोन किया, तो करीब 1/2 घंटा के बाद आए, हमने आप प्रिंसिपल हैं, 12:30 में आइएगा तो कैसे चलेगा माहौल। इसी को, इसी निरीक्षण को कुछ छात्रों ने उसको एक मुद्दा बना दिया, और फिर परमानंद बाबू का उस सीन में प्रादुर्भाव। तो हमारे साथी जवाहर जी को मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है, परमानंद बाबू कैसा चला रहा है, तो बोले रात देर शाम किया, देर रात में जाते हैं, अब भोरे चले आते हैं, अब भोरे हाथ में ब्रश लिए, धोए ने धोए किया, धोए यहाँ चले आते हैं, इतना सोने नहीं देते हम, अब कॉलेज से जाते जाते रात हो जाती है, अब भोरे हाजिर हो जाते हैं। हम लोग तुम्हारा सौभाग्य की बात है कि जो कॉलेज को अपना समझे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। तो ये था। फिर मान्य कुलपति जी से बोले, परमानंद बाबू बहुत मेहनत करते हैं, क्या उतना कर सकेंगे, बड़ी बहुत काम है, चारों तरफ कवार है, उस कवार में से निकाल लाना है, बहुत मेहनत है। फिर इन्होंने मेहनत किया, जो आज दिख रहा है। मैं बराबर कहता था कि टीपी कॉलेज यूनिवर्सिटी का चेहरा है, और कहते हैं हम लोग कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा जो होता है अब वो मस्तिष्क का सूचक होता है, इंडेक्स होता है। तो जब यूनिवर्सिटी का चेहरा ही ऐसा कि चेहरा ही कोई देखना नहीं चाहे, बदरौनक सा दिखे, कोई आकर्षित नहीं हो, कोई मोहित नहीं हो, तो फिर उस चेहरे का क्या करना। लेकिन चेहरा तो बदला, चेहरा इतना मोहक हुआ,
जिस द्वार का शिलान्यास हुआ उसका उद्घाटन। तो तमाम चीज जब मैं घुसता हूँ, अभी भी जब आ रहे थे कुलपति जी बोले सब चीज तो खूब बढ़िया है, ये लाल मकान है, तो बोले वो जेल नुमा ना हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसे मकान है, उसका अभी लाल लाल यही कलर उसका बिल्कुल यही यही गेटअप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज डिफेंस के सामने सामने है। इसी क्रम में जब आ रहे थे तो माननीय कुलपति जी ने कहा, हमारे जो सहयोगी साथी से उन्होंने कहा कि ये कुलपति जी का देन है कि कॉलेज इतना चमक रहा है। तो बोले नहीं नहीं, प्रति कुलपति के बगैर कुलपति जीरो है। सही वाक्य ये था जो कुलपति जी ने कहा, हमारे कई वक्ताओं ने इस बात को दोहराया लेकिन वो सही मायने वो शब्द नहीं थे, शब्द ये थे कि प्रति कुलपति के बगैर कुलपति जीरो है। तो हमने कहा कि प्रति कुलपति के साथ कुलपति हीरो है। देखिए बरप्पन, उन्होंने अपने को जीरो का और प्रति कुलपति उनको हीरो का। तो ये जो आदर का भाव है, ये जो समरसता का भाव है, ये जो सोच का भाव है, ये हम समझते हैं कि हम सभा में होनी चाहिए। बिहार के 13 सामान्य विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय तो 17 है, 13 में लगभग 12 एक दर्जन प्रति कुलपति राजभवन में रोते थे कि हम दोनों है तो ड्राइवर नहीं है, वो है तो डेरा नहीं है, तो हम बोले किराए पर डरा लीजिए, नहीं कुछ रिक्शा पर चलिए। बोले हाँ आपको मिला होगा तो आप नहीं बोल रहे ना, हमको कुछ मिला होगा। तो ये सोच की जो उपज है, हम कैसा सोचते हैं वैसा ही करना। अगर हम अपने को सुविधा में संलिप्त करना चाहेंगे तो हमें लगेगा कि हमें कोई सुविधा ही नहीं है, हम क्या करें, और हमारे काम को तो हम बोले कि वो तीसरी कसम जो राज कपूर का था उसमें उसका बैल जो था, दो बैल जो था उसका नाम हीरामती था। तो बी एन मंडल यूनिवर्सिटी के लिए दो बैल हम लोग मिले, तो वो दोनों बैल उस बैलगाड़ी में, बीएनएमयू के बैलगाड़ी में अच्छा चला, बोझा भी ढोया, कभी अनाज ढोया, कभी पौधा ढोया, कभी कुछ ढोया, और इसको ढो करके हम लोग यहाँ तक लाए। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबों की है, जो लोग यहाँ के हैं। बराबर कुलपति महोदय बोलते हैं कि हम लोग तो दो ही बार के हैं, बाकी सब तो यही के हैं, फिर परेशानी कहाँ की। लेकिन परेशानी होती है, परेशानी इसलिए होती है कि हम विश्वविद्यालय को मेरा है नहीं मानते, ये महाविद्यालय मेरा है, जो करेक्टर परमानंद भाव में, ताकि रात में बेचैनी रहते कि कल सुबह क्या करना है, कल कौन सा काम होगा, किधर ईटा लगेगा, किधर ढलाई होगा, किधर से छड़ आएगा, किधर से कौन सी होगा, ये मेरा है, मेरा ये मेरा का भाव, दिस इज माइंड। ये भाव जिस दिन आएगा, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे यहाँ की जनता हो, तो उस दिन इसमें बदलाव और तीव्रतर होगा। बदलाव तो वहीं रहा है 28 सालों में, ऐसा नहीं है कि ये तमाम स्ट्रक्चर तीन साल में खड़ा हो गया, स्ट्रक्चर तो बने हुए थे, हमको लगता है नया कोई स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने खड़ा किया, उस स्ट्रक्चर को संपूर्ण बनाने का कार्य किया है, वो तमाम चीजों को लीक पर लाने का कार्य किया है, और ये आप सबों के सहयोग से संभव है। कहते हैं बोले कौन कार्यक्रम है, मैंने सुधांशु जी से कहा कि क्या कार्यक्रम कर रहे हो, तो बोले विदाई समारोह, बोले विदाई नहीं सम्मान समारोह होना चाहिए, इसलिए कि विदाई में तो जुदाई दिखती है, सम्मान में आम दिखता है, तो इसलिए सम्मान होना चाहिए, उसमें मान दिखता है कि हम आपका मान रख रहे हैं, आपके कर्मों को हम सम्मानित कर रहे हैं। और कहते हैं कि श्रम का पारिश्रमिक मिलना चाहिए, पारिश्रमिक तो सरकार देती है, तनख्वाह देती है, लेकिन उस परिश्रम का जो आप दे सकते हैं वो यही सम्मान, तो उस परिश्रम का आप सम्मान दे रहे हैं। मैं आप सबों का ऋणी हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मिसाल बीएनएमयू ने कायम किया है पूरे बिहार में कि पीबीसी, पता नहीं चलता यूनिवर्सिटी को बीसी साहब हैं या नहीं, वही तेजी, वही पूर्ति, वही तमाम चीजें ये जारी रहती है। पिछले लॉकडाउन में बिहार में तो 13 मार्च से ही लॉकडाउन था, राष्ट्रीय लॉकडाउन तो 25 मार्च से शुरू हुआ।
और तब से लेकर के लगातार एक महीने तक पता नहीं चला लोगों को, जबकि दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपतियों को 100 कोच करना पड़ा कि आप कहाँ हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं मंडल यूनिवर्सिटी का नाम आया। इसलिए नहीं आया कि हम लोग दोनों बोले भागलपुर में हम है, बीएनएमयू में तू, और मैं लगातार रिकॉर्ड बनाया 40 डेज तक टच से मस्त नहीं, 40 डेज तक टच से मस्त नहीं हुआ, जबकि हर हफ्ते तकरीबन मैं जाता हूं। इसलिए आप सबों ने सब खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही हैं, कुछ नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं, जिनके कार्य होते हैं सुचारू रूप से होते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे लिए अच्छे हैं, जिनका नहीं हो पाता है तो बहुत सारे काम हो सकते। मुझे लगता है कि कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं एक अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि मेरी जान पढ़ाकर अगर पढ़ने के लिए तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पर दुख के उन्मान पढ़ाकर, जो आदमी आपके सामने है उसके चेहरे पर जो तकलीफ और दुख की जो सिलवट पड़ रही है तो उसको पढ़ाकर मिले तुम्हें जीने का सलीका आ जाएगा, तुम्हें काम करने का सलीका आ जाएगा। मैं उसी को पढ़ूंगा जब मैं देखता हूं कि क्यों खड़े हो, बोले मैं आया हूं किशनगंज से, तुम क्यों खड़े हो, तो मैं आया हूं वहां से, बोले क्या दिक्कत, बोले तीन बार परीक्षा दिए तीनों बार 1 नंबर से फेल हो, बोले ऐसा कैसे तीनों बार 1 नंबर से फेल, अरे भाई कभी 3 नंबर से फेल होगा कभी 5 नंबर से फेल, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर है, या तो टेबुलेशन में वही नंबर उतार दे रहा है। अभी भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो पिछला एग्जामिनेशन बोर्ड हुआ करीब उसमें तकरीबन जो है 14,000 बच्चों के करीब, जो 12-13,000 बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग थे दोनों डिवीजन को मिला करके, भरसक कोशिश करके अभी हम लोग उसको 2,500 पर लाए। मैंने प्रस्ताव दिया कि जिसका एक विषय का नंबर नहीं मिल रहा है उसका रिजल्ट देने का एवरेज देकर, बोले ये क्या कर रहे हैं, किधर से कोई इधर से कोई, पूरा एग्जामिनेशन बोर्ड मेरे खिलाफ हो गया। बोले मैं तो करूँगा, इसलिए करूँगा कि मैं लड़कों को परेशान होने नहीं देखना चाहता, जब ये हमारी जिम्मेदारी है तो फिर हम भी जिम्मेदारी। मैं चाहता हूँ कि बोले सर नहीं ज्वाइन कीजिएगा ना, तुमको ज्वाइन नहीं करने देगा, बड़ी दौरा रहा है सर, 1.5 महीना से दौरा रहा है, अब इसको कैसा है, वहाँ यूनिवर्सिटी जी बोले दौरा रहा है। मैं आया रजिस्ट्रार साहब को बुलाया, बोले चिट्ठी कब आई है, बोले 45 दिन हो गया, बोले 45 दिन से क्या करें, आई वॉन्ट द फाइल बाई टुमारो, जबकि मेरे क्षेत्राधिकार में भी नहीं था। मैंने कुलपति से कहा कि मैं ज्वाइन करवाऊंगा कल से परसों तक, नहीं ज्वाइन करेगा तो आदमी नपेगा, अरे तो नौकरी मिलती नहीं है जिसको चिट्ठी आई हुई उसमें 3 महीना दौड़ा रहे, 2 महीना दौड़ा रहे, फॉर द अनफॉरसीन रीजन, वो रीजन कौन चेने वाला तो ये, और ये लोग तैयारी भी कर लिए थे माल असबाब जमा करने का, नहीं बोल रहे सच बात, मैं आज आप लोगों के समक्ष नहीं, आपसे पहले हम सब लेट जाओ चूंकि आप बहुत जुड़े हुए हैं इसलिए आप तमाम चीज जान रहे हैं। आप सबों ने ये आयोजन किया, कुलपति जी बोले बहुत नहीं बोलोगे, 3 बज गया हम ले 5 मिनट बोलने दिए, 5-7 मिनट का मैंने टाइम लिया, आप लोगों ने हमारे लिए इतना आयोजन किया और देर तो जानबूझ करके हम किए थे, नहीं तो 1 दिन बोले साथे चलो, और सिर्फ एकमात्र विश्वविद्यालय बीएन मंडल यूनिवर्सिटी था, जब राजभवन में बुलाया गया तो हम लोग यहाँ से दो प्रतिकुलपति गए थे राजभवन, क्योंकि हम लोगों की बहाली फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो गया था, ज्वाइन करना था लास्ट वीक ऑफ मई में, तो एक महीने से बैठे रहा था और उसमें और हम देर कर दिए, तो इसीलिए हम समझते हैं कि आपने शर्म को सम्मान दिया है, हमारे शर्म को मान दिया है, हम आप सबों के ऋणी हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी शर्म करे उनके शर्म का सम्मान होना चाहिए ताकि उनको और भी उत्साह मिले, ताकि और वो उत्साह से काम कर सकें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ कपिलेश्वर बाबू को, उनके तमाम टीम को, उनके तमाम इकाइयों को मैं अपनी ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ये विश्वविद्यालय का आईना रहेगा, ये टीपी कॉलेज और प्रखरता में अग्रणी रहेगा और इसकी गरिमा अब छूनी रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ, और जो इसमें सेवानिवृत्त हैं मैं उनके दीर्घायु की सिर्फ कामना नहीं करूँगा, स्वस्थ दीर्घायु की कामना करूँगा, हेल्दी एजिंग की मैं कामना करूँगा,
हेल्दी लॉन्ग लाइफ की मैं कामना करता हूँ। मैं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। सोचा था जब हम चले थे घर से तो मन में एक तमन्ना थी कि अपनी कुछ इच्छाओं को आपके साथ शेयर करूं। बैठ गया लंबे समय तक और जब मेरा समय आया तो पैर थरथराने लगा, लेकिन मन की जो भावना थी वो रुकी नहीं। मुझे चलना है आगे और चलना है, इसी भावना को साथ लेकर फिर मैं यहाँ डायस पर आ गया। आज टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य जो अभी आज समारोह के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच जिनको अभी तुरंत आपने सुना प्रतिकुलपति महोदय, उन्हें आप राम कहें, रहीम कहें, शेषनाग कहें, तो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो वह हीरा है और हीरा ही रहेगा। मैं इसको हमेशा मन में उतार कर रखा हूँ, इसमें मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कभी कभी हीरे को तराशने की जरूरत भी होती है, तभी उसकी चमक बढ़ती है। तो हम दोनों ने जब भी कार्य किया तो हमने यह कोशिश किया कि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी हीरे में कुछ गड़बड़ी हुई तो उसको तराश के पुनः मैं उसे उसी तरह चमका दूं जैसा पहले से चमक रहा था। हमारे लिए जिनकी काफी तारीफ आप लोगों ने की, कुल सचिव महोदय जो कि हमारे साथ वो पिछले एक साल से हैं, कार्यरत हैं, एक साल से अधिक हो गया होगा या एक साल होने वाला होगा। आपने सभी लोगों ने आप क्योंकि आपके यहाँ के शिक्षक हैं तो आपने तारीफ की, लेकिन सचमुच में वो काबिले तारीफ हैं। उनमें सहनशीलता, उसमें सीखने की जो एक ललक होती है वो भावना, और विश्वविद्यालय के प्रति वो कुछ करना चाहते हैं ये भी उनमें एक तमन्ना है। और इसलिए मुझे प्रसन्नता हमेशा होती है जब कभी भी उनसे हम बात करते हैं तो कभी जोर से भी बोल देते हैं कि आप ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, आप बिना पढ़े आ जाते हैं, फाइल में नोट लिखते हैं तो फाइल को पढ़िए कि पिछला नोट जो है जो ऑफिस से नोट आता है उसमें क्या लिखा गया है, आपको क्या लिखना चाहिए। बुरा लगता होगा उनको, लेकिन मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर तकलीफ भी हो तो यह कह के आप भूल जाएंगे कि बड़े भाई ने कुछ सिखाया, क्योंकि सचमुच में बड़े भाई इस ख्याल से भी हैं कि विषय एक ही है और हम काफी सीनियर हैं इनसे, तो इसी तरह की भावना के साथ ये हमारे साथ काम करते आ रहे हैं और मुझे हमेशा इनसे कोई शिकायत नहीं रही। हमारे बीच बेबाक बोलने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं आप सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबू, वो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लगातार उनको हमने एक ही रूप में हमने देखा। उनके मन में हमेशा ये भावना रहती थी कि हम जो है कुछ करें, और पता नहीं उनको मेरे प्रति क्यों इतना लगाव हुआ कि मैं शर्मिंदा हो गया जब पहली दफे उन्होंने जो है झुककर मुझे प्रणाम किया। हमने कहा परमा वो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं पता नहीं सर मुझे मन में क्या भावना है, लेकिन हमको लगता है जब आपके सामने आते हैं तो मुझे यह करने की इच्छा होती है, इसलिए आप कृपया मुझे मना नहीं करें। तो नहीं थे, हाँ सही बात है, लेकिन कभी भी इन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की थी कि हम प्रिंसिपल बने। समय परिस्थिति का इंतजार था, समय बीतता गया और अपने आप सब कुछ अपने आप सब सृजित होता चला गया और पढ़वाओं को यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर इंचार्ज बन गए। ना इन्होंने ने कभी कहा, ना हमने कभी सोचा, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप जो है यहाँ के प्रिंसिपल बन गए। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैं एक एक करके सबके बारे में कहूँगा, आपको आश्चर्य होगा हमने कभी भी इनको नहीं कहा कि आप प्रिंसिपलशिप छोड़ दीजिए, लेकिन जब इनकी तबीयत को हमने ध्यान से देखा तो सिर्फ मेरी एक ही इच्छा रहती थी और जब भी मिलते थे तो हम कहते थे परमा आप स्वस्थ रहिए। यह बिना हमसे मिले चाहे सुबह हो चाहे शाम हो एक बार जरूर हमसे मिलते थे और हम हमेशा इनको यही कहते थे कि आप स्वस्थ रहें, जो स्वस्थता रहनी चाहिए आपके साथ और उस पर आप इसे ध्यान दें, कॉलेज पर आप इतना ध्यान न दें, क्योंकि हमको लग रहा था कि इतना ध्यान कॉलेज के लिए कर रहे हैं थोड़ी परेशानी इनकी बढ़ गई थी उनमें।
उसके बाद इन्होंने खुद आके कहा, हमने कभी नहीं कहा कि आप प्रिंसिपल सीट छोड़ दीजिए, परमाणु को याद होगा या ना होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, अब हम छोड़ना चाहते हैं। तब हमने खोज शुरू की भाई इनके हटने के बाद हम किसको बताएं, और आपको लगता है कि हमने जो चयन किया वो गलत नहीं किया, और आज परमाणु के शुरुआत किया गया इनके सपनों को प्रोफेसर डॉक्टर के पी यादव ने साकार किया, और आज यह महाविद्यालय सचमुच में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का एक दर्पण है। जो अगर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी को देखना चाहता है तो इस कॉलेज को देखे, इस महाविद्यालय को देखे, जो सिरमौर के रूप में जाना जाता था। बीएन मंडल को लोग जानते थे या ना जानते थे इस यूनिवर्सिटी को, लेकिन टीपी कॉलेज को पिछले कई दशकों से लोग जानते थे। मधेपुरा में अगर कुछ है तो एक टीपी कॉलेज मधेपुरा है। आज हॉल में सभी लोग उपस्थित हैं, कुछ लोगों को बहुत नजदीक से हमने देखा, प्रोफेसर के पी रमन साहब जो पहले प्रचारित थे, और इधर विश्वविद्यालय में ये भी जुड़े, और इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला या इनको मेरे साथ काम करने का मौका मिला, बात एक ही है, लेकिन हम लोग साथ साथ काम किए। इन्होंने जितनी बातें कही, जो इनके मन में प्रेम था मेरे प्रति और जो रिगार्ड था मेरे प्रति, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और आपको साधुवाद भी देता हूँ, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे, इस क्रम में जब हम लोग बैठते थे और कुछ बातें होती थी तो उसमें हमने कभी जोर से भी आपको कहा होगा कि आप इस तरह में करें, आप सीनियर आदमी हैं, आपको थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, थोड़ा सा आप चीज़ों पर अड़ना चाहिए, घबराइए नहीं आप। तो हमको भी बुरा लगता था कि सीनियर आदमी है, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उम्र में हम बड़े थे तो इस चीज का हमने हमेशा फायदा उठाया। लेकिन रमन बाबू ने कभी भी उफ नहीं किया, और सीखने की जो उनकी ललक थी और मेरे साथ बैठने की जो उनकी तमन्ना थी वो हमेशा बरकरार रही। कभी कभी जब देर हो जाती थी इनको जाने में, जब गेस्ट फैकल्टी की बहाली वगैरह हो रही थी, तो बीना जी यहाँ उपस्थित हैं, हम कहते थे कि भाई आप घर में इतना देर कह के आए, कहने सर दिक्कत तो हमको भी है, डर तो लग रहा है, इसलिए जल्दी छोड़ दिए तो हम चले जाए। तो यहाँ संजोग से आज पहली दफे हमको मुलाकात इनसे हुई, और पहले भी मिले होंगे लेकिन रूबरू आज हम लोग अच्छे ढंग से यहाँ पर बुरे हैं। और जोगिंदर बाबू की भी कहानी अपनी अलग है, बट ही इज वेरी सिंसियर वर्कर। इनकी तबीयत नहीं ठीक रहने के बावजूद भी इनके सिंसियरिटी में कभी कमी नहीं है, और सम अदर्स हम उतना डिटेल में इनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इनके कोई रिलेटिव थे जो अमेरिका में रहते थे और मेरा दामाद भी वहीं है, उनके माध्यम से इनके बारे में हमने डिटेल जाना। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमा बाबू, चाहे जोगिंदर बाबू हों, चाहे हमारे कुल सचिव महोदय हों, चाहे कोई हो, सभी लोगों के लिए हमेशा लगे ही रहते थे कि नहीं इनको कुछ बनाया जाए, इनको कुछ होना चाहिए। इसलिए नहीं, मैं फिर उनके शब्दों में बोलना चाहूंगा जो हमको कुलपति के रूप में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह सोचाती है, बल्कि इसके लिए यह यूनिवर्सिटी के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे, आप इनको बनाइए, ये इनका परंपरा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसी में जो कहता है इनकी भी बीच में तबीयत खराब हुई, और हमने कहा और खुद ब खुद जोगिंदर राव है तो इनकी अब जो है हमको तबीयत ठीक नहीं रहती है तो हमको छोड़ दिया है। मैं एक चीज से बताना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 3 साल के दरमियान हमने किसी को पनिश नहीं किया, सचमुच में अगर देखा हमने किसी को पनिश नहीं किया, और बार बार हम यही बोलते थे आई बिलीव ऑन चेंज ऑफ द हर्ट नॉट बाय गिविंग द पनिशमेंट, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंज, और इस पर हम चलते रहे। जबकि अब महसूस हो रहा है, कुल सचिव साहब भी हैं, हमारे पीए साहब भी हैं, हमको अफसोस हो रहा है कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी आदत होती है। अब फूल में है तो फूल में आप कितना भी कुछ करिए, अगर उसकी सुगंध है तो आप उसको हटा नहीं सकते, अगर तोड़ के डाल फिर लगा दीजिए फिर उसमें वही सुगंध होगा जब पुष्प होगा, पुनः उसको तोड़ कर लगा दीजिए पुनः उसमें वही सुगंध होगा जो उसमें होता है। तो मेरे में यही एक सबसे बड़ी गलती है, और मैं सच बताता हूँ, मैंने पूरे बिहार के भाई छात्रों को देखा है, पिछले 6-7 साल से हम इस लाइन में हैं, पीबीसी रहे, भीसी भी रहे, भागलपुर रहे, यहाँ रहे, और कितने भीसी को मैंने देखा है। आपको विश्वास नहीं होगा आने वाला समय ऐसा ना हो, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि भीसी ऐसे लोग होते हैं कि आप जल्दी उनसे मिलिएगा और मिल भी नहीं पाइए,
कभी नेवर दे ट्रीट एज ए टीचर बट ऑलवेज आई ट्रीट माई टीचर एज ए टीचर. हमने कभी ये नहीं समझा कि मेरे अंडर में काम करने वाला ये शख्स है. किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई आता था, जब हमारे पीए साहब बार बार गोसावी जाते थे कि सर आते हैं सबको आप बैठा देते हैं, किसी कोई भी आता था सबसे पहले हम उनको बैठाते थे अपने कुर्सी पर अपने रूम में और कहते थे पहले पानी ला के इनको दो. उस समय हमारे पास जो है सात जिले थे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज भी थे जो किशनगंज से लेके अररिया से लेके और दूर दूर से लोग आते थे. उनकी अलग एक परेशानी होती थी, दिन भर लग जाता था आने में और फिर दिन भर लग जाता था जाने में. लेकिन उनको हमने कम से कम जब भी वो लोग मिलने आए तो मन में एक भावना लेकर गए कि सर पहले तो सात दिन भी आते थे लगातार तो कुलपति से मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन अब जब हम आते हैं यह उम्मीद से कुलपति से मुलाकात होगी तो हमेशा कुलपति से हमें मुलाकात होती है. काम हमारा हो या ना हो लेकिन हम लोग प्रसन्न होकर वापस जा रहे हैं, कम से कम आपसे मुलाकात हुई और आपने मेरी बातों को सुना. हम हमेशा विश्वास करते थे पूरे टेन्योर में कि एट द स्पॉट जजमेंट हो, एट द स्पॉट काम होना चाहिए. इसलिए बराबर जब भी कोई लेके का कोई काम आता था हम कोशिश करते थे उनका काम पूरा निष्पादित हो जाए. साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे और आपसे शेयर करना चाहेंगे कि कोशिश यही रहती थी जैसे लड़के आए या कोई भी आए सभी से हम बात करते थे. और हमारे माननीय सिंडिकेट के सदस्य अभी हैं जवाहर बाबू, इन्हें याद होगा सीनेट की मीटिंग में काफी देर लास्ट मीटिंग हम लोगों ने किया था, काफी देर लड़के हंगामा करते थे तोड़ फोड़ करते थे और अल्टीमेटली किसी ने कहा कि सर एक बार हम मैं बता रहा हूँ एक घंटे तक ये चला लड़कों का, पुलिस भी आई सब कुछ होते चला गया. उसके बाद किसी ने कहा कि सर एक बार अपने से चले जाइए या मेरे मन में ही भावना होती नहीं हम ही जाते हैं. और कुछ ऐसा संजोग और जस मिलना होता है लोगों को, सब प्रभु की कृपा है. जब हम गए तो बच्चे थोड़ा शांत हो गए और सारे लोग चले गए. ये बात थी ना जवाहर बाबू, सभी लोग चले गए और हम समझते हैं 10 मिनट के अंदर में पूरा फील्ड जो है सीनेट की मीटिंग जो है सुचारू रूप से चलती रही. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सारे जितने भी हमारे शिक्षक वृंद हैं, एक बात हमेशा हम कहते हैं थोड़ा कुल सचिव को आजकल अधिक कहते हैं कि जिस पद पर हैं और जहाँ पर हैं उसकी मर्यादा रखनी चाहिए. जिस पद पर हैं जहाँ काम करते हैं उसके लिए आपको घमंड नहीं होना चाहिए. आप दूसरों के दुख को अगर नहीं सुनेंगे, आपके यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं चाहे वह फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉई हो या प्रोफेसर हो या माननीय सिंडिकेट के सदस्य, तो जिनको भी जो भी आदमी है जो भी व्यक्ति है सब हमारे लिए एक प्रशासक के लिए सब बराबर होना चाहिए. और हम कोशिश यही करते हैं. और अभी भी आज जैसे बताया कि जब निकले हम तो 3 बच्चे आए हुए थे फारविसगंज में, उनकी बहाली हुई थी, हम ही लोग बहाली किए थे. धूप में लड़का वो खड़ा था, पहले इसी विश्वविद्यालय में था. अब आप सोचिए कि वो हमको कह रहा है सर मेरे लिए कुछ करिए. हमने कहा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुमको बजाते सरकार ने भी पैसा रिलीज कर दिया, बजाते सैलरी में उसका नाम दिया गया, फिर भी वहाँ के जो है कुलपति महोदय उसका भुगतान नहीं कर रहे. हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं जबकि उनका सब कुछ अप्रूव हो गया राज्य सरकार से उनकी बहाली, उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहे हैं. और जबकि यहाँ पर हम लोगों ने जो बहाली की उस बहाली करने वाले को हमने अपने डिस्क पर जो है उन लोगों को पैसा दिलवाया और लगातार मिल रहा था. और घोर आश्चर्य इस बात की है कि यहीं के लोग, उस 86 कर्मचारी में मेरा कोई नहीं है, फारूक साहब का कोई नहीं है, वो 86 कर्मचारी में करीबन 60-65 परमाणुओं के शब्दों में एक ही स्वजाति का है. हम नहीं बोल रहे परमाणुओं के शब्दों में, एक ही स्वजाति का है और उसी के खिलाफ लोगों ने जो कंप्लेन दिया. अरे मेरा क्या लोगे भाई, मैं हम क्या लेके जा रहे हैं, हम तुम्हारा तो कुछ नहीं लिया. हमने डायबिटीज भी नहीं था, ब्लड प्रेशर भी नहीं था 3 साल में सब. हम तो कुछ लेके जा नहीं रहे हैं आपका. और कोई कह नहीं सकता आज तक चाहे प्रमोशन हो चाहे डिमोशन हो चाहे जो भी हो, जोगिंदर राव गवाह हैं, सारे लोग गवाह हैं. हमेशा मेरा एक ही स्लोगन रहता था कि एक भी पैसा किसी ने दिया तो मैं उसी दिन उसको प्रमोशन को हम रोक दें. गेस्ट फैकल्टी में भी हमने कहा स्पष्ट रूप से मजा नहीं कोई एक पैसा दे, अब ऐसे कोई ले दे तो आई डोंट नो. लेकिन मेरा हमेशा ये वर्डिक्ट रहता था और हमेशा हम इसके खिलाफ थे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्मचारी कोई भी यहाँ आता है तो वो ठीक है उसका हम लोग काम करेंगे. लेकिन यह जो आदान प्रदान पैसे का चला रहा था जैसा लोग कहते हैं, हमने उसको रोकने की कोशिश की. मैं मानता हूं कि 100% हम मुझे सफलता नहीं मिली होगी लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यही रहा इस तरह के जो काम होते हैं ये काम नहीं हुआ होना चाहिए. लेकिन जो भी हमने प्राप्त किया इस 3 साल में
जो भी आप लोगों ने अपने दिमाग में मेरे प्रति एक छवि बनाई उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो सभी आप लोगों का ही योगदान है। यहाँ के विद्यार्थियों का योगदान है, शिक्षकों का योगदान है और कर्मचारियों का योगदान है जिसने मुझे यहाँ तक काम करने का मौका दिया। अंतिम पैदान पर खड़े हैं, अब एक ही सीढ़ी बची हुई है 2-3 दिन के लिए, फिर जाना है, आना जाना, उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन इस बात का हमको अफसोस है कि कुछ चीजें जो हम करना चाहते थे वो इस पीरियड में हम नहीं कर पाए। मेरे मन में एक ललक थी कि टीपी कॉलेज, एमएलटी कॉलेज, ये सब कॉलेज का जो है नेक्स्ट एक्रेडिटेशन हो, विश्वविद्यालय का नेक्स्ट एक्रेडिटेशन हो, जो हम नहीं करवा पाए उसके पीछे हम अपनी कमजोरी समझते हैं। हम किसी भी शिक्षकों को दोष देना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया, कॉलेज में जा कर प्रयास किया, और इस क्रम में एक चीज तो जरूर हुआ कि कुछ बदलाव कॉलेज में आए, महाविद्यालय में बदलाव आया, चाहे मिल्टी कॉलेज हो, चाहे रमेश झा कॉलेज हो, चाहे ये हमारा कॉलेज हो, सभी कॉलेज में कुछ ना कुछ बदलाव आया। और इस बदलाव के कारण हम समझते हैं आने वाला दिन हम यहाँ रह न रहें, लेकिन अगर नेक्स्ट इस साल के अंत तक भी एक्रेडिटेशन हो जाता है तो हम समझते हैं कि मेरे प्रति आप लोगों ने जो आप सलाह की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान वही होगा जिस दिन इन कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन हो जाएगा और विश्वविद्यालय का एक्रेडिटेशन हो जाएगा। इसके लिए हम अब तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमेशा मेरी जहाँ भी जरूरत होगी, जब भी जरूरत होगी, मेरे विचार के, मेरे सलाह का मैं जरूर सलाह दूंगा और कोशिश करूंगा कि जहाँ हमने पौधे लगाए हैं कम से कम वहाँ पुष्पित और फलित तो वो हो जाए जिससे दुनिया वह देख सके कि हाँ इसमें पुष्प और फल भी है। हमारे कुछ और शिक्षक हैं अमोल, और भी लगातार हम लोगों के पास आते थे, जब से अवकाश प्राप्त किए हैं तब से कम आना हो गया है और कोरोना के चलते तो और कम हो गया है, क्योंकि 65 साल से ऊपर है, विशेष रूप से ध्यान रखते हैं स्वास्थ्य का, लंबी जिंदगी जीना है, पेंशन भी इतना अधिक होते जा रहा है कि खर्च भी नहीं हो पाता है। अब हर एक व्यक्ति को 1,00,000 रुपया पेंशन मिलेगा, खर्चा कितना करेंगे, घर अपना सब कुछ अपना, 15,000 बहुत हो गया, 20,000 बहुत हो गया, बच्चे सब तो सभी अपने अपने जगह पर सजग, तो इतनी सुविधाएं दी गई, हम बार बार कहते थे कि इतनी सुविधाएं, और इस सुविधाओं के अनुसार अगर हम शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो हम समझते हैं कि हमें कर्तव्य परायणता नहीं है और हमको कर्तव्य बोध भी नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा इतना ही अनुरोध होगा, समय बीत गया, हम जानते हैं कि मुझे भी जाने का दुख तो जरूर है, इस बात से दुख है कि मेरा टेन्योर खत्म हो गया, नहीं, इस बात से मुझे दुख नहीं है। मैं एक बात और सत्य आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, जब शुरू में हमारी बहाली हुई मधेपुरा में 29 तारीख को हम जब यहाँ आए तो सिंहेश्वर स्थान से होते हुए हमने आके ज्वाइनिंग किया, उसमें लोग हमको कहते थे भागलपुर में, चूंकि प्रत्याशी हम कई महाविद्यालय के थे, संजोग से हमको यही मिला, तो लोग कहते थे ये कि बहुत मुश्किल है, जाइए ना, आप देखिएगा क्या। हमारे प्रीडेशन जो थे उनके बारे में कहते थे कि जो 3 साल में जो है 3-4 महीना रहे होंगे, तो उनसे जब पूछा गया था राजभवन में हम PVC दे, उन्होंने कहा वहाँ हम क्या करेंगे सर, पेरिस है कोई, वहाँ जो हम करेंगे, हम जाते हैं काम जितना होता है 2 दिन में हम जो है सब कर उनके चले। लेकिन हम जब आए तो हमने ये सोचा कि नहीं, हम जब आए तो कुछ करके जाएंगे, इतना कर दें जो हम कर सकते हैं, जो मेरे मन में तमन्ना थी उसके अनुसार हमने किया, और पुनः हम दोहराना चाहेंगे इस बात का, उसमें आप सभी का सहयोग बहुत मिला। और एक बात भी और बताना चाहेंगे आप सभी को, जो शिक्षक हैं डीपी कॉलेज के, पुराने और नए, यहाँ के लोग बहुत सज्जन, बहुत भोले, मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, और ये बता रहे हैं मेरा 70 ईयर्स एज बोल रहा है, कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल और 20 साल और 25 30 साल का, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत भोले, और उनको कुछ करने की तमन्ना भी है, लेकिन दिग्भ्रमित बहुत जल्द हो जाते हैं, उसके कारण यही है कि भोले हैं, जो आदमी भोला होता है वो बहुत जल्दी दिग्भ्रमित होता है, तो यहाँ के लोगों में वही है कि रास्ते बहुत जल्द भटक जाते हैं, उन्हें जब प्रोत्साहन मिलता है तो उनको चाहिए प्रोत्साहन के बाद उसकी गरिमा को बचाना। जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस कुर्सी बैठे हैं, हमने हेड बनाया, आप डीन बने तो आपकी इसकी गरिमा होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर जब हम आए तो हेड की यहाँ पहचान कुछ थी नहीं, 0 के बराबर था, हमने कहा कि हेड दैट इज इक्विवेलेंट टू द वाइस चांसलर, और दो ही व्यक्ति यहाँ होता है, एक वाइस चांसलर जिसको फिनेंशियल स्टेट्यूटरी पावर होता है,
बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट और दूसरा होता है हेड जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पावर होता है जो कि अब खर्चा अपने से कर सकता है, उससे एक्शन कर सकता है। और दूसरा ये होता है प्रिंसिपल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पीजी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और सारे हेड को मैं इन चीजों को बताया और उनको कहा कि नहीं आप कमजोर मत समझिए, हमारे हेड सब तो कभी यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं, आप खर्च करिए डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए, आपको जो पैसा लगता है आपके यहाँ जो जमा पैसा है उस पैसे से डिपार्टमेंट को बनाइए, पानी नहीं है तो पानी खरीदिए, बोरिंग करवाए, जो हो सका हमने वो सब सारे काम किए जो संभव हो सकता था, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे काम छूट गए। लेकिन समय हम बहुत लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि अधिक बोलने पर भावुकता बढ़ने लगती है और भावना भी थोड़ी थोड़ी जो है नवन भाव की तरफ जाने लगता है, इसलिए हम वो हालत बहाना देने नहीं चाहते हैं। लेकिन आप लोगों से जो प्यार मिला हम जीवन भर नहीं भूलेंगे और इतना ही कहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले कुलपति जो होंगे उनके सामने भी आप अपनी अच्छाई को रखिएगा, हो सकता है भगवान चाहे तो हमसे बेहतर कुलपति आए, हो सकता है जितना काम हमने किया उससे दुगुना काम हम 3 साल में कर लें। इसी उम्मीद के साथ आप सबको हम साधुवाद देते हैं, हम आप सबको दीर्घायु होने स्वस्थ होने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और विशेषकर प्रचार महोदय के पी यादव साहब और उनके सहयोगी हमारे सचिव जो वर्तमान में हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं करना, मैं बराबर एक कविता कहते रहता था, ये हमारे पीआरओ साहब बराबर हमको लिख के देते थे कि हो गई पत्थर पील सी इसे पिघलना चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इन चीजों को दिमाग में रखा जाएगा कि यह बीएन मंडल ऐसा नहीं है कि बिहार में पिछड़ा विश्वविद्यालय है, अब यहाँ से गंगा निकल चुकी है, यहाँ से गंगा अब निकल चुकी है, उसे बांधने की जरूरत नहीं है और उसमें और गति देने की जरूरत है, तभी वो पवित्र गंगा दूसरे को भी सुस्थापित करेगी और दूसरे के लिए भी जो पवित्र के रूप में जाएगी। तो हम यही आप समूह से प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप इस गंगा को बहाइए, पवित्र धारा कल कल धारा बननी चाहिए और बिहार में बीएन मंडल विश्वविद्यालय का भी लोग नाम जाने, अब जानने लगे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय यहाँ आए थे, मैं यह भी बता दूं मैं और प्रतिकुलपति महोदय दोनों निकल गए थे, हम वहाँ नहीं थे रिसीव करने के बाद, जब हम लोग चले गए तो करीबन आधे घंटे के बाद टेलीफोन आता है पीए टू चीफ मिनिस्टर कि कुलपति कहाँ है उनको बुलाइए। तो हमने कहा भाई मेरे लिए मंच पर कोई जगह थी नहीं तो मैं क्यों जाता मंच, पीए साहब ने कहा कि किसने कहा कि मंच पर जगह नहीं थी, कौन व्यक्ति है वो, तो हमने कहा प्रशासन ने कहा, हम किसी का नाम क्यों बता रहे, तो नहीं आप कहीं भी हैं आ जाइए। और उन्होंने मंच से भी इस बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की बुरी बुरी प्रशंसा की। और एक चीज और बता दें, मन अगर सही है, विचार अगर आपके पवित्र है तो बहुत सारी चीज प्रकृति खुद ब खुद मदद करते हैं। हम जब आए थे तो वहां पर डिपार्टमेंट ले जाने के लिए सभी ने सहयोग दिया, कहा ले जाइए, लोगों ने ये कहा कि सर पिछले कई दफे से जैसे परमाणु ने कहा कि कई वीसी ने प्रयास किया कि यहाँ पीजी डिपार्टमेंट यहाँ से शिफ्ट हो और हमने क्यों ऐसा किया मैं बता दूं, रंजनी कुमार सिन्हा यहाँ हेड था, एक बार पीएचडी भाईवा के लिए बुलाया गया, एक ही रूम में जूलॉजी बॉटनी सब क्लास होता था, हमने कहा कैसे जगह तुम काम कर रहे हो, वही दिमाग मेरे दिमाग बैठा, उसके बाद फिर हम नहीं आए, मेरे दिमाग में वही बैठा कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में कुछ है नहीं। तो हम जब वहाँ ले गए तो रोड नहीं था, अब देखिए आदमी जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है भगवान खुद बखुद करता है, तो जब रोड नहीं था, बारिश हुई, जब डिपार्टमेंट शिफ्ट किया तो लड़कियों को कंप्लेन आया कि कैसे जाएंगे हम लोग, हमारे पास सलवार जो है भींग जाता है उसको ऊपर खींच के पानी छोड़ना पड़ता, तो संजोग ऐसा हुआ कि हमारे माननीय सांसद महोदय उसमें थे, उन्होंने जो है हम कभी नहीं भूलेंगे, उन्होंने बस दे दिया, बस तो दे दिया, अब रोड नहीं था, देखिए अब जो सुपौल से बच्चे आने आते थे उनको आने के लिए फिर यहाँ आना पड़ता था, उधर से कोई रोड बना हुआ नहीं था, और देखिए संजो आज 50 फीट का रोड है आपको से वहां जाने के लिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं है, अब दो तरफ से रोड हो गया, उस डिपार्टमेंट में आने के लिए पीजी डिपार्टमेंट में दोनों तरफ से रोड है, एक तो इधर से रोड बन गया फर्स्ट क्लास और दूसरा उधर से, अगर आप आते सिंहेश्वर की तरफ से उधर से हो जाइए तो उधर से रोड बन गया, और सब ये सब अपने आप हम बहुत प्रयास देंगे, तो ऐसे ही होता है कि अगर आपके काम करने का ढंग जो है मन से है, विचार आपका पवित्र है, तो भगवान भी आपको, आज सब कुछ हो गया, बिल्डिंग भी है, डिपार्टमेंट में हुआ कि भाई कैसे बनेगा, लैब कैसे बनेगा,
हुआ कि केमिकल्स कैसे आएंगे, ग्लास वेयर्स कैसे आएंगे, होम साइंस का पैटर्न कैसे चलेगा, ज्योग्राफी का कैसे चलेगा, बॉटनी का कैसे, जियोलॉजी। हमने लड़ाई लड़ी शिक्षा विभाग में और 2 करोड़ रुपया दिया गया। उस 2 करोड़ में ऐसा लैब बना है, आपको मैं बताऊं, ऐसा लैब बना कि लोग आते हैं तो कहते हैं ऐसा लैब तो बिहार में कहीं नहीं। आज लैब भी बन गया, प्रैक्टिकल क्लास भी होने लगे। आपके पास जो है सामने देखिए कितना बढ़िया गार्डन एक बन गया। अरुण बाबू को प्रस्ताव हुआ, दोनों ने क्या कहा ठीक है हम गार्डन बना देते हैं। तो सारी चीजें मांग के, जैसे कि मालवी जी मांग मांग के BHU को बनाए, उसी तरह हम BHU तो नहीं BN मंडल यूनिवर्सिटी को मांग मांग के उसको यहाँ तक हम पहुंचाए। कभी सरकार से पैसा मांग के, कभी आपसे मांग के, कभी उससे मांग के, भाई आप 1 महीने का सैलरी दे दीजिए तो एक गार्डन उधर बन जाएगा, सोशल साइंस में आप एक गार्डन बना दीजिए, उन्होंने 7-8 लाख रुपये लगाया, 1 नंबर का गार्डन बन गया साइंस ब्लॉक। सामने भी गार्डन बना हुआ है, माई बर्थ माई अर्थ, नरेश बाबू चलाए, पौधे लगने लगे। और पौधे जब लगने लगे तो पिछले साल जो करीबन 4,000 पौधा लगा दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और हम समझते हैं 4 साल के बाद कितनी अच्छी जगह वो हो जाएगी कि मेडिकल कॉलेज वाला सारे लोग जो पेशेंट हो वो सब घूमने निकलेगा रोड पर मॉर्निंग वॉक करने। एक समय वह एरिया मॉर्निंग वॉक के लिए फेमस हो जाएगा क्योंकि उसके दोनों तरफ रोड, इधर से भी रोड है इधर से भी रोड, और काफी अच्छा रोड है जिनके बाद अपना व्हीकल होगा चलाए मॉर्निंग वॉक करें। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही है, इच्छा शक्ति अगर मजबूत है और काम करने की अगर इच्छा है तो प्रभु भी मदद करते हैं। और प्रभु के रूप में प्रभु को कोई देखा नहीं है, यही तो सनातन धर्म है हम लोगों का कि हम लोग देखे ही नहीं कौन है। तो व्यक्ति हर एक जो समाज के हर एक व्यक्ति है जिसके विचार है और जो व्यक्ति मिलकर जो समाज को बनाता है उसकी ही परिकल्पना आपको आगे ले चलेगी और उन्हीं की परिकल्पना से ही आप देखेंगे कि सब कुछ मिल रहा है, तो जिसे हम लोग कहते हैं कि भगवान का है। लेकिन परेशानी और चिंता का विषय यही है कि जो कुछ भी हम करना चाहते थे उसमें कुछ कमी रह गई और वह कमी मेरी ही रही होगी जिसके चलते ऐसा हो रहा है। अदरवाइज जो हमने चाहा वो किया, कुछ बच गया उसमें मेरी कमी होगी। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में हमने 3 साल गुजारा है, आने वाले जो भी कुलपति हों हमसे बेहतर हों और कम से कम इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में वह सहयोग करें और आपका भी समर्थन वो ले खुल के, तभी जो है विश्वविद्यालय आगे बढ़ सकता है। विवेकाओ अंग्रेजी के टीचर लिटरेचर का आदमी है, ये उदा किशनगंज में कभी प्रिंसिपल थे, कई लोगों ने कई चीजें बनाई, बहुत सारे कुलपति आए, कभी कुछ बना दिया कभी कुछ बना दिया। लेकिन हमको लगा कि नहीं इनको जो है फिर टीपी कॉलेज में वापस लाना चाहिए। हम टीपी कॉलेज में वापस ले आए और लगता है कि टीपी कॉलेज के लिए कम से कम वो अच्छी कोशिश करेंगे कि अच्छी पढ़ाई हो, यहाँ गणेश का कोई टीचर भी अपने बदरीगाँव तो चले गए यहाँ से ना, बदरीगाँव चले गए, आप भी पीजी में यहाँ ही हैं, हाँ तो चलिए कम से कम कविता के माध्यम से हिंदी भी उतनी मजबूत है इनकी और इंग्लिश के टीचर तो हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को हम अपने तरफ से साधुवाद, आप सभी को हम अपने तरफ से और प्रतिकुलपति महोदय की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और इतना ही हम प्रार्थना करते हैं कि हम जहाँ भी रहें हम इसी विश्वविद्यालय के बारे में सोचें और आप जहाँ भी काम करें हमेशा आप ये समझें कि यह विश्वविद्यालय मेरा है और हम विश्वविद्यालय के हैं। और यह भावना जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय का विकास संभव नहीं है। आप सभी को पुनः आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। उसको अच्छे से निभा सकूं, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि